Guys, welcome back to my YouTube channel SS Anonymous Hitman. So guys, आज हम लोग खेलने वाले हैं Battle Royale COD में और देखते हैं कि आज हम लोग जीतते हैं कि नहीं. वैसे जीतना तो चाहिए या गेम तो अच्छा चल रहा है. और हाँ गाइस, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं उसका गेम प्ले या रिव्यू देने जा की सोच रहा हूँ शैडो वॉर गन फायर का, जो अभी आया है, कल ही मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ है. हम ही खेला है, मैंने खेला है, तो उसका मैं रिव्यू बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो गेम तो बढ़िया है, बट वो उसमें बैटल रॉयल या वैसा गेम नहीं है. वहाँ पर वो ऑनलाइन गेम है, बट वैसा गेम नहीं है. वो गेम थोड़ा जैसे आपने लोवा लगेसी खेला था ना, उस टाइप का गेम है. मतलब नोवा लेगेसी में जैसे उसकी अलग मिशंस रहते थे, अलग स्टोरी लाइन रहती थी, वैसा वो गेम है. तो मतलब वो फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है. आप अगर आपको स्टोरी लाइन वीडियो में अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है जिसमें स्टोरी होती हो तो आप खेल सकते हैं उसको. तो मैं रिकमेंड करूँगा जिनको स्टोरी लाइन वीडियो पसंद है तो गेम्स पसंद है, स्टोरी लाइन वीडियो गेम्स या कोई भी गेम्स पसंद जिसमें स्टोरी हो पसंद हो तो आप खेल सकते हो. भाई मुझे स्प्लिंटर सेल डीएनए के अलावा जिसमें स्टोरी अच्छी खासी रहती है और आर्मी टाइप का हो, GTA भी खेला है, GTA भी पसंद आया, पर मुझे आर्मी टाइप गेम ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का ज़्यादा फ़ैन हूँ. तो हाँ गाइस, तो हम लोग वापस उतरते हुए, तो हाँ मेरा रिव्यू है स्टोरी लाइन में. उसकी स्टोरी जो है वह 7.5 out of 10, और ग्राफिक्स उसकी अच्छी है, उसमें भी दूंगा 7 out of 10. और उस गेम की और उसके अलावा अगर ये मेरा रिव्यू था उसके लिए. और उसमें शायद वो लोग मोड डाले, सुनने में आया कि वो लोग मोड लाएं कि मल्टीप्लेयर मोड डाला मोड लाएं जैसा बाद में नोवा लेगेसी ने किया था. तो हाँ हो सकता है आए, तो फ्यूचर में अगर उसका वो आ गया तो मैं खेलूँगा ज़रूर जब उसका वो आ जाएगा. तो स्टोरी लाइन गेम्स मुझे तो बहुत भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है. पर हाँ उसमें पर क्या है मेरे साथ कि मेरे पास कुछ वैसा सिस्टम तो है नहीं अभी, लैपटॉप है, पर पापा से अगर गेम्स के लिए थोड़ा पैसे वैसे मांगूंगा तो दौड़ा लेंगे अच्छा खासा. तो हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो स्टोरी लाइन वीडियो से बनाने से बच रहा हूँ, क्योंकि यार कौन डांट खाना चाहेगा पापा की ये. तो इसलिए हाँ, इसलिए हम थोड़ा बच रहा हूँ. पर ऐसा नहीं है वीडियो नहीं आएगी, आएगी उस पर भी अगर स्टोरी लाइन गेम्स पे चाहिए तो. बट हाँ वो आएगी 15,000 सब्सक्राइबर का आप पूरे कर दोगे तो मैं सोचूंगा कि, और उस पर अगर आप लोग कर दोगे तो ये तो हम हो सकता है मैं लाऊं, अभी कुछ कंफर्म नहीं समझो, या हो सकता है क्योंकि उसके लिए काफ़ी कुछ सेट करना पड़ेगा ना. तो उसमें तब तक जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होएगा या तो मेरी खुद की अर्निंग नहीं होगी या जब तक जॉब या सर्विस कुछ ना करें तो जब तक नहीं होगी तो तब तक आना तो मुश्किल ही है, क्योंकि इंडिया में अभी गेमिंग उतनी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुई है. तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मैंने GTA 5 तक तो खेला हुआ है, उसके आगे तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है इस समय कि कुछ हटके करे, कुछ स्टोरी लाइन वीडियोस पे बनाए, या हो सकता है मैं सब करूँगा मैं ज़रूर. बट हाँ थोड़ा सा अभी उसके लिए वो नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँगा तो ज़रूर, बट अभी नहीं, उसका अभी करेक्ट टाइम नहीं है. फर्स्ट टाइम का सब चीज़ का करेक्ट टाइम होता है, पर मेरे हिसाब पे कभी वो करेक्ट टाइम आया नहीं है.
तो हाँ, अभी हम थोड़ा सा ये स्टोरी लाइन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी फिलहाल तो अभी हम अपने सीओडी में वापस फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है तो ही तो बंदा बंदा आ गया, दिक्कत हो जाएगी हमें। यार अभी तक एक बंदा नहीं आया भाई। आ गया आ गया आ गया। चाचा हमारे कहाँ हो तुम? बेटा 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 अच्छा बेटा। ओहो, ओरिजिनल ओरिजिनल जेन्युइन बंदा था यार। को लगा कि बॉट वॉट कुछ होगा। चलो तुमने कम से कम कुछ अच्छा ही दे दिया। इसने मुझको लेवल 2 का टूटा हुआ वेस्ट दे दिया। हमको नहीं पता था कि, हमको लगा ये बॉट वॉट होगा यार। बॉट वैसे इसमें कम ही आते हैं तो हमको लगा कि वो वैसा होगा, ध्यान नहीं देगा, पर इसने ध्यान दे दिया मेरी लोकेशन क्या है। और हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो रिफ्ट है, जो ऊपर जो ब्लैक होल की तरफ बन रही है, या जो भी ब्लैक होल वाला इवेंट कुछ भी होने वाला हो, धड़ाम धूम कुछ भी मचने वाला हो, और कृपया करके कुछ लोगों से अनुरोध है कि बाहर ट्रैफिक लगाए। तो इसलिए मैं ये पी पाओ का मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे मैं भी काफ़ी इससे परेशान हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो ये जो जो ब्लैक होल का कोई भी फंडा था, जो अब रिफ्ट बन रहा है या कुछ हो रहा है, वो आने वाला है। अभी बात है कि 14 से 16 नवंबर के बीच ये वो उन्होंने कंफर्म किया है कि वो कभी भी अपडेट दे सकते हैं, कभी भी वो नया फीचर लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी कभी भी नया अपडेट दे सकते हैं। तो हम लोग इस समय पूरी तरह अलर्ट है उसके लिए। तो हाँ तैयार हो उसके लिए, तैयार एकदम बिल्कुल। अरे यार इससे भी फिर से सही बताए, एक तो वेस्ट लेना ज़रूरी है। मतलब वेस्ट लेना क्या, वेस्ट यहाँ पे है भी यार, अच्छी किस्मत है। शायद उसने वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया, या उसका वेस्ट फुल होगा तो इसलिए। चलो दूसरी गन, मेरी फेवरेट गन लेते हैं। अभी तक दो बंदे कर लिए हैं, लीड अच्छी है, हम लोगों को जीतना है भाई, आज जीतेंगे हम। लील होगी होगी हम लोग जीतेंगे जीतेंगे। और गाइस जो आवाज आ रही है उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। अब सही बताऊँ गाइस, मैं खुद इस सब आवाज़ों से परेशान हूँ। इतना ट्रैफिक, इतना कंजस्टेड एरिया है मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ उस समय समय। चलो एडिनल मिल गई, और कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, कोई इस ट्रैफिक से परेशान हूँ क्योंकि मेरा बड़ा कंजस्टेड एरिया है। अब या तो रूम जो कि है, रूम बंद किया हूँगा, अगर रूम बंद करूँगा तो राउटर मेरा काम उतना अच्छे से नहीं करेगा। और राउटर हाँ मेरा अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिर लैग करेगा कि, तो अगर मैं रूम खोला तो ये आवाज़ें आएंगी क्योंकि मेरा रूम और किचन जो कि है बगल बगल है। मुझे याद है इसलिए गाइस मम्मी ने बनवाया था रूम ताकि मुझे वो पढ़ते हुए देख सके, ताकि पता चले कि पढ़ रहे कि नहीं। मम्मी ने बनवाया था रूम। ओह शिट, यहीं कहीं बंदा है वो यार, या तो अंदर गया है या तो वो यार। बेटा 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 ते गया जाएगा या तो बगर। ओए यू गिल्ड तीसरा एक किल मिल गई है, टॉप 50 के में आ चुके हैं, टॉप 46 में। अब भाई कोई स्नाइपर, सही बता कि स्नाइपर से मेरी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि
मेरी ज़्यादातर किल स्नाइपर ही लेता है, तो इसलिए मैं स्नाइपर से थोड़ा बच के खेलता हूँ। भाई कहाँ पे रहेगा? क्रैश में, वहाँ पे क्रैश क्वीन अगर याद हो तो वहीं पे एक ब्रिज ब्रिज भी होगा ना कुछ, शायद क्रैश में है कि डेनार में, डेनार में नहीं है, क्रैश में ही है कहीं, एक ब्रिज है जहाँ पे मैं एक बार गेम में स्मार्ट गेम के चक्कर में मैं छुप के मार रहा था, वहाँ पे ब्रिज के नीचे छुप गया था। तो शायद अगर वहाँ पे जाता है मैं, आप तो वहाँ पे जोन अगर जाता है तो हाँ शायद क्रैश में ही था ना, क्रैश के किस साइड था पर ये नहीं पता यार। यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है, यही पता है यहाँ पे इसके, ये चचा है हेलीकॉप्टर वाले, या तो ये क्रैश करने वाले हैं। सही बताए, कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है जब से हम प्रो सीरीज में आ गए, बहुत ज़्यादा टफ हो गया गाइस, एड्रेनल शॉट्स ज़्यादा लेने चक्कर में पड़े जाते गाइस, क्योंकि उससे एक बार में, हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी अब कुछ करने वाली है क्योंकि एड्रेनल जो कि रहेगा वो मिलना कम हो जाएगा, उसके अलावा आपको, ओह शिट कहाँ पे मार रहे भाई ओ चाचा, 1 2 3 4 5 अरे यार एड्रेनल बहुत ज़्यादा कम है यार, एड्रेनल मेरे ख्याल से स्काउट, ओह शिट एक और आ रहा है बस, तीसरी किल हो तुम, नंबर 3 हो तुम, ये लो नंबर 3। तो ये बताइए ये लोग बहुत ज़्यादा हंटर्स है। हाँ ये बताइए, हंटर्स से याद आया कि किससे किसने अभी हाल ही में बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी देखेंगे, जाने का प्रोग्राम है किसका किसका बताइएगा ज़रूर। एक भाग गया, चलो एड्रेनल मिल गया, चार चार एड्रेनल मिल गया भाई, ज़्यादा सही है, 7 किल मिल लिए है, बट मेरा वो कहाँ गया, वेस्ट, इसके पास वेस्ट नहीं है क्या? ओह शिट, किस बात अच्छी कि इसकी गोलियाँ नहीं लगी मुझे, ये तो मेरा काम गया, बंटाधार हो जाता, बंटाधार हो जाता भाई, किस पर अच्छी की गोलियां नहीं लगी। एक और बंदा आ रहा है, ये क्या दो आ रहे हैं आप, इधर अच्छी खासी जंग हुई है यार, एक किल और यहाँ पे हो जाए, अच्छी खासी किल हम लोगों को यहाँ पे मिली है। ओ भागो, याद आया कि जोन पीछे ही है, ओ शिट होली शिट, बेटा कहाँ हो चाचा, अच्छी खासी इंटेंस हुई भाई, मजा आ गया, इंटेंस फाइट भाई, ये इंटेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हो गई, बहुत बंदे यहाँ पे मारे, कुल मिला के हम लोग थे 3 पे थे ना, 3 या 4 पे थे जब यहाँ पे आए थे, अब देख लो गाइस कितने किल मार दिए, 8 बंदों को यहाँ पे पेट के मारे हैं भाई, अब यूज़ करने का टाइम है, आस पास तो कोई नहीं है, एक तो बंदा है उधर, नंबर 12, इंटेंस फाइट्स में मज़ा ही तो मज़ा आता है, किसे किसे इतने इतने भाई, मैं इंटेंस फाइट्स का सोचता तो हूँ पर इतना इंटेंस होगा ये कभी नहीं सोचा था यार। चॉपर ऊपर है, बंदा किधर है यार, बचा बचा बचा,
भाई का आधे ज्यादा किल्स तो यही गन की दी है भाई, इसकी क्यों एमओ होनी चाहिए इसकी पंद्रह। चलो इसकी ये बात है कि एमओ मिल जा रही है टाइम टू टाइम, नहीं तो मेरा हो गया था अब तक भंटा थार। भंटा थार एकदम भाई, पर वेस्ट की सख्त जरूरत है। ओ शिट शिट मैन, ओ शिट, हम ऐसे जा रहे थे पता नहीं कहाँ से आ गई है, मुझे भी नहीं पता यार, पर हाँ मार तो दी है बंदे को न। ओ शिट, होली शिट, बचे बंदे, कोई अगर स्नाइप कर रहा होगा। ओ हो स्नाइपर, हम अटने वाले नहीं, हम अटेंगे ही नहीं यहाँ से। टू इंटेंस वाइट, इंटेंस बहुत ज़्यादा थी भाई, जो देख रहा है लाइक सब्सक्राइब करो अगर कोई देख रहा है तो। ओह शिट 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 शिट, कोई लग रहा है ऊपर ही की तरफ है। ओह शिट, किल नंबर, किलिंग अच्छी मिल गई आज तो यार, मज़ा आ गया देख के। ओहो आ रहा रास्ते में क्या, ओ चाचा रास्ते में होगा स्नाइपर। ओ शिट, मतलब कहाँ से वह कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार ये। चलो गाइस किल अच्छी मिली है, किल ही केडी तो मेंटेन हो गई, पर हाँ जीत नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा बुरा लगा। तो गाइस अच्छा आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम लोग देखेंगे अब कौन जीतता है। ओ 13, नंबर 13, छे कितने बंदों को मारा। ए हेलीकॉप्टर के पास हो सकता है कोई, कोई हेलीकॉप्टर के पास मिल सकता है, या ये खुद इसी का हेलीकॉप्टर हो तो बात अलग हुई फिर। अब देखो कहाँ पे है यार, अब देखो अब इसको सस्पेक्ट करेंगे, देखा जाए। हमको लग रहा है हैकर तो नहीं है, देखो इससे इससे और स्नाइपिंग इम्पॉसिबल हो रही है, हो जाती है भाई। हमको लग रहा है ये हैकर है, वही हैकर तो भाग गया। वही कोई मिला, कोई मिला, कोई मिला, दिख रहा है कि कहीं इनके इसके पास वो तो नहीं है। कहाँ मार रहा है यार, मुझे लग रहा है ये हैकर है, क्योंकि इस गन से स्नाइप कर, गन से एक तो स्नाइप हो नहीं सकती इस वाली गन से, ऊपर से वो यूज कर रहा है क्या कहते हैं होलोग्राफिक्स, होलोग्राफिक साइट नहीं रेड डॉट, तो ये लाल बिंदु से और ऊपर से उसका स्नाइप करना इम्पॉसिबल है यार। हमको लग रहा है ये हैकर है गाइस, साहब को क्या लग रहा है, ये हमको लग रहा है ये हैकर है, हैकर है, हैकर है। ए वे चलो यार, को लग रहा है ये हैकर है। चलो भाई हमको लग रहा है मैवरिक 909, हमको लग रहा है ये हैकर है। हमको लग रहा है आई सही बताइए, हमको लग रहा है कि जिस ओहो पीछे ही था, क्योंकि कभी लगता है ना कभी कभार। ओहो अच्छा, मुझे लग रहा है ये हैकर है। अच्छा, उसकी एक गोली ढंग से नहीं लगी तब भी हमको क्यों लग रहा है ये हैकर है, मुझे लग रहा है हैकर को बैन करो। ओह शिट, अब ऑर्बिटल लाइन पे हैकर को भी की बोलती बंद हो गई इसने। ओहो
चॉपर को उड़ा, मतलब क्या तरीका है यार इसकी, ये गोली ढंग से लगी यार। तो इसके पक्का हमको लग रहा है हैकर है। हाँ हमको लग